गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि समारोह के दौरान पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक वीडियो सामने आया जिस पर गुजरात पुलिस और वहां की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में गिरफ्तार हुए मुस्लिम पुरुषों को पुलिस ने बांधकर उनके कमर पर डंडे बरसाते हुए दिख रही है। डंडा बरसाने वाले सिविल ड्रेस में पुलिस के आदमी दिख रहे हैं और वहां पर खड़ी भीड़ मुस्लिमों की इस तरह की पिटाई पर तालियां और नारे लगाते दिख रही है। ये भयावह घटना मंगलवार गुजरात के खेड़ा में हुआ। इसमें कम से कम 4 या 5 लोगों को बिजली के खंभे से बांध कर रखा गया और पुलिस आम नागरिकों की तरह कपड़े पहन उन्हें लाठियों से पीटते हुए दिख रही है। वहां पिटता हुआ मुस्लिम शख्स माफी मांगते हुए दिख रहा है और वहां पर खड़ी बेशरम भीड़ मारो मारो उन्हें मारो चिल्लाते दिख रही है और एक पुलिस का वर्दी वाला ग्रुप पुलिस वैन के पास खड़ा हुआ दिख रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग कानून व्यवस्था और गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके की घटना का इस तरीके की सजा देना कितना अनिवार्य है। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।